ओके गाइस, 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश। ऑन पब्लिक डिमांड एक बार फिर से हम आ चुके हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। आप इस वक्त बिल्कुल लाइव मुझे और सुपर सिंगर दर्शन रावल को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच दर्शन। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत मैं इनको प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जब इनको कहा कि एक बार फिर से पब्लिक इनके फैंस चाहते हैं इनसे एक बार बात करना हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, तो इन्होंने जितने इंटरव्यूज़ हैं उन सबको छोड़कर एक बार फिर से हमारे साथ भी बन गए हैं, यानी कि हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आ गए। दर्शन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम आपके सोलो सॉन्ग की बातें कर रहे थे, तेरा जिक्र की हम बातें कर रहे थे, जिसे लेकर आए हैं सोनी म्यूजिक इंडिया। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, कुछ अगर कहना चाहें हमारे हमारे फेसबुक पेज के लिए, हमारे फैंस के लिए। और जितने भी लोग हैं, ये सब ये जो गाना है तेरा जिक्र, सो मैंने, मेरी टीम ने, सोनी म्यूजिक, हम सब ने ये ही सोच के बनाया है कि ये गाना आपके दिल के पास रहे जी, आप इसे सुने। लोग मुझे ये कहते हैं कि गाना ऑलरेडी 13 मिलियन पहुंच चुका है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, पर जब कोई मुझे ये कहता है कि इस गाने को मैं पूरी रात इस गाने को सुना है, या मुझे ये गाना सुन के किसी की याद आई या अच्छा लगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे, वो दैट इज़ विनिंग फॉर मी। मैं जीत गया उसमें अगर वो मुझे कोई कहता है। और मैंने देखा है इतने सारे मैसेजेस आए हैं वर्ल्ड वाइड, अलग अलग जगह से लोग गाने से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। बिल्कुल। तेरा जिक्र, ये शुरुआत कैसे हुई सर? क्या जैसे कि मुझे खबर मिलेगी करीब 7 मंथ्स लग गए इस गाने को बनाने के लिए, सोलो सॉन्ग है, सिंगल सॉन्ग है, लोगों को पसंद आ रही है, तो ये मुझे बता दें कि शुरुआत कैसे हुई इसकी? क्या लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा ही, मतलब डिजिटली लोग मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे लोग कहते हैं कि यार आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, हर महीने एक गाना निकालो, ये आप तो कंपोज भी करते हो तो निकालते रहो। बट मेरा ये मानना है कि एक गाना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनने में, उसको जीना पड़ता है, मुझे जीना पड़ता है। अगर मैं जी पाया उस गाने को तो ही लोग उस गाने को जी पाएंगे। सो 7 महीने की ये जर्नी रही जहाँ मैंने गाना बनाया, AM तुरस जी ने लिखा, मेरी मैनेजिंग टीम ने सुना, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि लेट्स गो टू समबडी जो इस गाने को जस्टिस कर सकते हैं। हम सोनी म्यूजिक के पास गए, गाने का विजन बड़ा हो गया, आज हम करोड़ों लोग तक पहुंच पाए हैं, सिर्फ एक दो हफ्ते में ही हम करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ टीम। ये शुरुआत हुई मेरे, इट वाज माय सॉन्ग, और अभी सबका गाना बन चुका है ये। अब वो गाने के साथ मैं कोलकाता में भी आ गया हूँ, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो बिल्कुल कलकत्ता में इस वक्त दर्शन है और कल परफॉर्म भी करने वाले हैं, और हम सबको इंतजार है उस कॉन्सर्ट का, बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट होने वाला है। बंगाली सॉन्ग, क्योंकि जब हिंदी में तेरा जिक्र जब रिलीज़ हुआ, लोगों को पसंद आने शुरू हुई, उसके बाद बंगाली में भी इस गाने को गाया गया, आपने गाया है, कंपोज भी किया है, सबसे बड़ी बात है कंपोज भी किया है, तो मुझे बताना चाहेंगे बंगाली और गुजराती में भी इस गाने को रिलीज़ किया गया? जी। सो हिंदी गाना जब आ गया, जब वो हिंदी वॉज ऑलरेडी हिट, तो मुझे आई वॉन्टेड टू डू स्पेशल थिंग, एक स्पेशल गिफ्ट देनी थी मुझे जो गुजराती लोग हैं और जो बंगाली जानते हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो मुझे ये एक छोटी सी गिफ्ट देनी थी जो लोग बंगाली जानते हैं, क्योंकि बंगाली लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है फ्रॉम रॉस्टार, आई थिंक रॉस्टार, और रॉस्टार के बाद भी हमेशा, आपको भी पता है जब हम यहाँ शो करने आए थे पागलबंदी हो गई थी, तो आई थिंक दिस लव, सो ये तो एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है उनके लिए, तो ये मैं कर सकता था तो मैंने किया। एंड मुझे मेरे इस डिसीजन में मुझे सोनी ने बहुत सपोर्ट किया, वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए, कह रहे तुम बंगाली गाना करोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, तो इट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल आल्सो, सो आई एम हैप्पी दैट सबको पसंद आ रहा है। मुझे आई वाज वेरी कंफ्यूज कि लोगों को पसंद आएगा बंगाली पर पसंद आएगा, बिकॉज बहुत बहुत क्लियर बंगाली आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, और बहुत गाना जो मैंने भी सुना है बहुत अच्छा लग रहा है। वो वंस अगेन आई वुड रियली लाइक टू थैंक द टीम, अर्नब करके हमारे जो एक दोस्त हैं, उन्होंने हमको बहुत मदद की, तो मुझे बताते थे देखा नहीं है देखा है, तो क्योंकि हिंदी प्रोनंसिएशन आ जाते हैं, तो ही रियली हेल्प मी, और आई थिंक अच्छा बन गया वो। बिल्कुल अच्छा बन गया। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि दर्शन 2017 में ये क्या था दर्शन, ये खतरनाक की आवाज़ इस वक्त आप सुन पा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2017 में 3-3 सिंगल सॉन्ग दर्शन के रिलीज हो चुके हैं सर, ऐसा क्यों? तीन हम कर पाए, मेरा यही होता है कि मैं जितना अचीव कर पाऊँ, तो आई थिंक 3 गानों में काफ़ी वक्त चला गया, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, अमाउंट ऑफ जो हार्डवर्क जाता है, तो इट आई थिंक 3 ही गाने हम कर पाए, और साल ख़त्म हुआ तेरा जिक्र के साथ, तो बस आई थिंक उतना ही हमारे पास वक्त था इस साल, उसमें हम 3 गाने कर पाए। अब 2018 में बड़े और बेहतरीन गाने आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ मूवीज़ के बारे में बताना चाहेंगे दर्शन, क्योंकि हमें तेरा जिक्र तो बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा। 2018 में देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ सरप्राइजेस, मैं बहुत डिफरेंट कंपोजर्स के साथ गा रहा हूँ,
तो वो सारी सरप्राइजेस 2018 में आप सबको सुनने को मिलेगी। वो हम सरप्राइज ही रखते हैं, लेकिन दर्शन मुझे बताइए कि कोई ऐसा क्रेजी फैन है आपका, हाँ, जिसने कुछ ऐसा किया हो, जिसने कुछ ऐसा कहा हो आपको जो आपको अभी भी याद है? मुझे, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, पर मैं मेरे जो फैन के साथ मेरा जो मीट एंड ग्रीट होता है बड़ा ही वाइल्ड ही होता है, वो स्नैचिंग होती है। बट आई थिंक सबसे खतरनाक इंसिडेंट तो हमारा यहाँ कोलकाता में ही था, जब हम, मैं 3 साल पहले आया था श्री शिक्षायतन में आए हुए थे, दर्शन मैं भी खड़ा था और मुझे अंदर घुसने नहीं दिया गया था, चप्पलें पड़ी हुई थी, हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। अरे दर्शन आ रहे आते आते तो तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, मैंने देखा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इनका इंटरव्यू मैंने लिया था यहीं पे पार्क होटल में, मुझे याद। हाँ, तो वो दैट वॉज अ इंसिडेंट जहाँ पे लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया था, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी थी, गाड़ी के ऊपर बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मुझे याद रह गई। बट मुझे लगा दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, मुझे लगा कि यार दिस इज़ द लव, ये प्यार है, आप जो भी कहो, जितना भी नुकसान हुआ हो, बट ये प्यार है और मैं चाहता हूँ कि ये प्यार रहे। बिल्कुल दर्शन, बचपन से ही आप सिंगिंग में आपकी रुचि थी, हम सब जानते हैं, लेकिन आपने सोचा था कि सिंगर बनेंगे, सिंगर में ही, सिंगिंग में ही अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे? मुझे, मैंने सुनने, मेरी जब मैं थर्ड फोर्थ में था, तब से आई वॉज इन हॉस्टल, तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं जब एक्टिविटी पीरियड होता था तो मैं म्यूज़िक सुनता था, तो वहीं से मुझे सुनना शुरू कर दिया। फिर कोई गाना सुनता था तो मुझे लगता था कि यार ये धुन कैसे बनी, ये मेलोडी कैसे बनी, मुझे भी ऐसी खुद की धुन बनानी है जो मेरी हो। सो आई थिंक वहीं से शुरुआत हुई, और फिर स्कूल कॉलेजेस में वही जो फैमिली इश्यूज होते हैं वो तो हमेशा रहे थे, हमेशा कि मतलब ये इससे घर नहीं चलता, ये वो। बट आई वॉज वेरी, सिंगिंग तो कर लेता ठीक है, लेकिन करेगा क्या, ये सवाल आता है, ये करेगा क्या? तो मतलब गाना तो गाता है, अच्छी बात है, लेकिन करेगा क्या, होगा क्या? तो मैं लोगों को समझाते थक गया कि यार मुझे यही करना है। बोले ठीक है, ये शौक है, इसको पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। मैंने बोला मुझे पूरी जिंदगी यही करना है। सो वो फेज था, बट इट वॉज अमेजिंग, इट हैज बीन अ, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी जर्नी अच्छे लोगों से और अच्छे कामों से भरी हुई है। सो आई एम हैप्पी फॉर इट। दर्शन, आपको यंगस्टान बहुत पसंद करती है, आपको हम सब बहुत प्यार करते हैं, आपको आइडल मानते हैं, लेकिन आप किसे आइडल मानते हैं? कोई ऐसा सिंगर है, किसी कोई एक है जिसको आप मानते हैं कि हाँ ये जो है इसे जैसा करना चाहता हूँ या इसको मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ? प्रैक्टिकल लोगों से बात की जाए तो किशोर कुमार की जो आवाज़ थी आज से कई सालों पहले, दैट वॉज सच अ मैच्योर वॉइस, जो वॉइस कल्चर उनके पास था, वो जो वॉइस टेक्स्चर उनके पास था। सो मैं मानता हूँ कि कोई भी सिंगर अगर किशोर कुमार का 5% या 10% भी सीख ले तो ही सॉर्टेड। क्या बात, क्या बात। सो आई थिंक ही इज़ माई इंस्पिरेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके गाने सुनने और गाने में। बिल्कुल दर्शन, आप गाने जो गा रहे हैं माशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके वीडियोज जो हम देख रहे हैं उसमें वीडियोज में भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आने वाले जो मूवीज में भी नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो मूवीज करते हुए नजर आते हैं। नहीं नहीं, ये स्टेप ये कि आप लेना चाहेंगे रिस्क? शायद मूवी जितने बड़े गाने हो जाए, पर मूवीज में तो अभी फिलहाल नहीं, कि एक फिल्म जितना लोग वेट करे गाने का उतना बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश रहेगी मेरी। बट आई एम हैप्पी, मैं म्यूज़िक वीडियो तक ही अभी करना चाहता हूँ, फोकस मेरा पूरा म्यूज़िक में है, वो बॉलीवुड एक्टिंग में नहीं है। सो हाँ, मैं म्यूज़िक वीडियोज़ में आपको एक्टिंग करता हुआ दिख जाऊँगा, बट नॉट इन बॉलीवुड राइट नाउ। जाते जाते तेरा जिक्र एक बार हो जाए हम सब के लिए, आपके फैंस के लिए। तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो, आए फिरे आमी जानी कोनो एक दिन, कोनो एक नो तुम भोरे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम, फरियाद करो ओगे मुझे खोने के बाद एक दिन, तुम मुझे याद करोगे। क्या बात है सर, कितने सारे लाइक्स और दिल से आ रहे हैं एक साथ आपके लिए। थैंक यू, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं आप सबको बहुत सारा प्यार, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। इतने सारे इंटरव्यूज के बीच में आपने एक बार फिर से फ्रेंड्स एफएम को दो बार चांस दिया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तेरा जिक्र जिसे लेकर आए हैं सोनी म्यूजिक इंडिया, तो आपको जाके यूट्यूब में सर्च करके देखना होगा। आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं दर्शन को, बिल्कुल सब्सक्राइब कर।
सकते हैं, और YouTube पे आपको जाके सिर्फ दर्शन रावल लिखना है या तेरा जिक्र लिखना है, आपको गाना बिल्कुल मिल जाएगा। या आप सोनी म्यूजिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत अच्छे म्यूजिक के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही।